गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. सो टुडे इन इंग्लिश 2 वी विल स्टडी अ न्यू चैप्टर. आज इंग्लिश 2 में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द आइसक्रीम सेलर. चैप्टर का नाम क्या है? द आइसक्रीम सेलर मीन्स आइसक्रीम बेचने वाला. राजू एंड रवि वर ब्रदर्स. राजू वॉज द एल्डर ब्रदर. देयर रेड हाउस वॉज नेक्स्ट टू देयर स्कूल. So they walked to school every day. One day there came an ice cream seller outside their school gate. Ravi was thrilled. Both the boys loved to eat ice creams. Raju aur Ravi bhai the. Aur Raju jo tha wo bada bhai tha aur unka lal rang ka ghar unke school ke just bagal mein tha aur wo paidal hi school aate jaate the. Ek din apne school ke bahar ice cream seller ko dekhkar Ravi bahut khush hua. दोनों बच्चों को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था. नाउ राजू एंड रवि कुड बाय आइसक्रीम एनी डे. द बॉयज सेव्ड अप अ फ्यू कॉइन्स. आफ्टर अ गुड डे एट स्कूल ऑन मंडे द लाउड स्कूल बेल रैंग. द बॉयज रैन टू द आइसक्रीम सेलर टू बाय आइसक्रीम्स. द आइसक्रीम सेलर गेव देम टू आइसक्रीम्स एंड द टू चिल्ड्रेन जंप्ड विद जॉय. राजू और रवि अब कभी भी आइसक्रीम खरीद कर खा सकते थे. दोनों लड़के पैसा जमा किए, कॉइन्स को इकट्ठा किए. मंडे को जब वो स्कूल गए और जब छुट्टी हुई, जब बेल रैंग किया, दोनों बॉयज दौड़ के आइसक्रीम सेलर के पास गए और वहाँ जाकर आइसक्रीम खरीदे. जो आइसक्रीम सेलर था वो उन्हें आइसक्रीम दिया और दोनों बॉय खुशी से कूद पड़े. Take these candies also. They are free for you from my side. जो आइसक्रीम सेलर है वो दोनों को चॉकलेट देता है, कैंडीज देता है और बोलता है ये फ्री में है तुम्हारे लिए मेरे तरफ से. राजू gave the bright coins to the ice cream seller. जो राजू है वो आइसक्रीम सेलर को चमकता हुआ सिक्का दे देता है. Hurry up now or you will miss your bus. जो आइसक्रीम सेलर है वो बोलता है जल्दी करो वरना तुम्हारा बस मिस हो जाएगा. नो अंकल, आर हाउस इज जस्ट ओवर देयर दैट रेड विला. वी विल वॉक टू आर हाउस बाय. जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं अंकल, हमारा जो घर है वो यहीं बगल में है, वो रेड विला. हम लोग पैदल चले जाएंगे और बाय कह के वो वहाँ से चले जाते हैं. The next day, the ice cream seller gave ice creams to the boys for free. Raju and Ravi could not believe their luck. The ice cream seller, along with his cart, walked down with them till their home. अगले दिन जब दोनों लड़के वापस आते हैं स्कूल से तो आइसक्रीम सेलर उन्हें फ्री में आइसक्रीम देता है. बच्चे अपने लक पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और जो आइसक्रीम सेलर है वो अपने कार्ट के साथ उनके घर तक जाता है. कार्ट का मतलब क्या होता है? अ स्टोरेज व्हीकल विथ 2 or 4 wheels. दो चक्के या चार चक्के वाले व्हीकल को कार्ट बोलते हैं. Over the week, the boys became friends with the ice cream seller. On Saturday, it was a holiday. The man offered to bring a small puppy to their home. Raju and Ravi agreed at once. They loved cute puppies. एक वीक के अंदर ही आइसक्रीम सेलर और दोनों भाई सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं. My dog had a litter. I can get you puppy to play with. जो आइसक्रीम सेलर है वो बच्चों को बोलता है कि मेरे डॉग के पास लिटर्स है, मतलब बहुत सारे पपीज़ हैं, उनमें से एक मैं ला के तुम्हें दूंगा और तुम दोनों उसके साथ खेलना. सैटरडे को छुट्टी थी और जो आइसक्रीम सेलर था वो ऑफर किया था स्मॉल पपी उनके घर पहुंचाने के लिए, वो उनसे प्रॉमिस किया था. राजू और रवि एक ही बार में मान गए थे क्योंकि उन्हें पपी से खेलना बहुत पसंद था, उन्हें क्यूट पपीज बहुत पसंद थे. द नेक्स्ट डे द बॉयज ओपन्ड द डोर ऑफ देयर हाउस फॉर द आइसक्रीम सेलर. दे लुक्ड एट हिज हैंड फॉर द पपी. ही डिड नॉट हैव इट.
ही जस्ट हैड अ लार्ज बैग विथ हिम। अगले दिन जब बॉयज अपने घर के गेट को खोले तो आइसक्रीम सेलर आया था, लेकिन उसके हाथ में जो पपी था वो नहीं था और उसके हाथ में बल्कि एक बड़ा सा बैग था। तो बॉय शॉक्ड हो गए। सॉरी बॉयज, आई कुड नॉट गेट द पपी टुडे, आई विल ब्रिंग इट टुमारो। जो आइसक्रीम सेलर रहता है वो बोलता है, सॉरी मैं आज ना पपीज नहीं लाया हूँ, मैं कल ले आऊँगा। राजू ऑफर्ड हिम वाटर। द आइसक्रीम सेलर लुक अराउंड, ही सॉ मैनी गैजेट्स, देयर वर मैनी अदर गुड थिंग्स ऑल्सो। राजू है वो आइसक्रीम सेलर को पानी देता है और जो आइसक्रीम सेलर है वो अपने आसपास देखता है और देखता है कि बहुत सारे गैजेट्स हैं। गैजेट्स का मतलब हो लाइक आपके घर में रिमोट होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, हेडफोन्स होगा, उन सबको। सडनली देयर वॉज अ लाउड सायरन। सायरन का मतलब क्या होता है? अ लाउड साउंड। द आइसक्रीम सेलर गॉट स्केयर्ड। द बॉयज वेंट टू ओपन द डोर फॉर रमेश अंकल, ही वॉज देयर अंकल। द आइसक्रीम सेलर जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड रन ऑफ। अचानक से सायरन बजता है और आइसक्रीम सेलर डर जाता है। डोंट वरी, दैट इज आर रमेश अंकल, ही इज अ पुलिस मैन। बच्चे बोलते हैं कि डरो मत, ये हमारे अंकल हैं, रमेश अंकल, जो पुलिस हैं। दोनों भाई ओपन करते हैं और उनके रमेश अंकल डोर पे खड़े रहते हैं और जो आइसक्रीम सेलर है वो विंडो से कूद कर भाग जाता है। वेन रमेश अंकल केम इन साइड द हाउस, ही फाउंड अ बिग बैग फुल ऑफ मेनी थिंग्स ऑफ द हाउस। He found a brown rope too. Raju and Ravi could not see the ice cream seller. Why had he put their things in his bag? Ramesh uncle जब घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़ा सा बैग सामान घर के सामान से भरा हुआ है और वहाँ पे एक रस्सी भी थी ब्राउन कलर की। Who came here? Ramesh uncle पूछते कौन आया था। The ice cream seller uncle came. He sells ice creams outside our school. तो बच्चे बोलते हैं कि आइसक्रीम सेलर अंकल आए हुए थे जो हमारे स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेचते हैं। तो राजू और रवि और आइसक्रीम सेलर को घर पे नहीं पाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि ये सामान ये बैग में क्या कर रहा है और उन्होंने क्यों रखा। रमेश अंकल अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड। जो रमेश अंकल थे वो समझ गए कि क्या हुआ था। You must not talk to strangers or buy anything from them yourself. You should keep yourself safe from strangers. तो रमेश अंकल बच्चों को समझाते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए और उनसे कोई सामान नहीं लेना चाहिए, अपने आप को अनजान लोगों से दूर रखना चाहिए। Yes, रमेश अंकल। बच्चे बोलते हैं Yes. Later that night, Ramesh uncle, the policeman, spoke to boy's parents. In a police hunt, the ice cream seller was caught and put in jail. He was a thief. The boys had learned a lesson. उसके बाद रात को रमेश अंकल उनके बच्चों के पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा से बात किए और जब उस फिर जो आइसक्रीम सेलर था वो थीफ था, पुलिस उसे जेल में डाल दी थी और फिर जो बच्चे हैं वो एक नया लेसन सीखे। सो इस चैप्टर से कुछ ना चाहिए, अपने आप को स्ट्रेंजर से सेफ रखना चाहिए। दैट्स ऑल, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।